हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज सुबह के हो रहे हैं 8:30, दिन है सैटरडे 2 अक्टूबर। आज गांधी जी का जयंती भी है और मेरी सिस्टर का बर्थडे भी है। तो अभी मैंने सुबह मॉर्निंग से ही ब्लॉगिंग शुरू कर दी है। और यहाँ देखिए, मैं अभी सोया बड़ी को भून रही हूँ। ये देखिए, आज एकादशी है ना, तो मैंने सोचा कि आज सिर्फ रोटी और सोयाबीन की सब्जी बनाऊंगी, सोयाबीन आलू की। चावल और दाल नहीं बनाऊंगी, क्योंकि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, चावल का दान भी नहीं करना चाहिए। और जो लोग करते हैं या जो लोग एकादशी मतलब मानते हैं, तो वो लोग चावल ना खाएं और चावल दान भी ना करें। तो यहाँ पे सोया बड़ी जो है भून रही है। यहाँ पे देखिए, अभी मैं प्याज कट कर लूँगी। ये देखिए, 2 प्याज कट कर लूँगी। और मैंने तो दिखाया ही नहीं कि आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है। ये देखिए, आज मैंने ब्लैक कलर की साड़ी पहन ली और बहुत दिन बाद इस साड़ी को पहनी हूँ, बहुत टाइम बाद पहनी हूँ। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हुए मैं अब सोच रही हूँ कि छोटा छोटा ही वीडियो शेयर करूँ, क्योंकि आप लोग फुल उसे वॉच नहीं करते हो, पर मुझसे छोटा वीडियो बनता ही नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ कि कितना छोटा से छोटा मैं वीडियो को मतलब बनाऊँ, पर मेरा वीडियो 10 मिनट तक हो जाता है, 10, 11, 12। और फिर मैं सोचती हूँ कि क्या करूँ कि मतलब थोड़ा हो जाए, लेकिन होता ही नहीं है। तो प्लीज़ फुल वॉच किया करिए मेरे वीडियो को फ्रेंड्स। और अभी मैं चलती हूँ, बच्चों को दिखाती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये देखिए, तो चलिए दिखाती हूँ रुपेश और छवि क्या कर रहे हैं। छवि, रुपेश क्या हो रहा है? रुपेश देखिए, हल्का फुल्का पढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा दुबला हो गया। ये देखिए, पूरा गाल वाल इसका जो है चुचुक गया है और हमको देख रहा है। और मैंने बोल दिया ना चुचुक गया, इसलिए मुझे देख रहा है। और क्या, नहीं अभी फ़ैन नहीं ऑन होगा रुपेश, जानू ठंडा। बारिश है इतना ज़्यादा हो रहा है ना फ्रेंड्स कि बहुत ज़्यादा ठंडी लग रहा है। और ये बोल रहा है कि फ़ैन ऑन कर दीजिए। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, छवि जो है बुक पढ़ रही है। ये देखिए, यहाँ पे देखिए कपड़े रखे हुए हैं अलमारी में लगाने के लिए। सारे कपड़े फोल्ड करके मैंने रख दिए हैं, बस मुझे अलमारी में लगाने हैं। तो चलिए मिलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं शीशे में दिख रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं किचन में। और मैं अभी किचन में आ गई हूँ और अभी जो मैंने 2 प्याज आपको दिखाई थी ना, वही कट कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा प्याज नहीं डालूंगी। सब्जी भी थोड़ी ही बनानी है सिर्फ रोटी के साथ, चावल तो आज बनेगा नहीं। तो ये मैं पतले पतले स्लाइस में प्याज को कट कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, हमारे यहाँ तो बहुत ज़ोरों की बारिश जो है 2 दिन से हो रही है। आपके यहाँ हो रही है या नहीं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सब्जी में तड़का लगा दिया है। और आलू सोयाबीन की सिंपल सब्जी है ये, इसलिए मैं रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ आप लोग के साथ। तो फ्रेंड्स, शुरू शुरू में मुझे मैनेज करने में बहुत दिक्कत होती थी, मतलब यूट्यूब का काम और घर का काम बहुत, अगर जो काम मैं 1 घंटे में करती थी वो मुझे पक्का 3-4 घंटा तो लग ही जाता था। अब सोच के हंसी आता है, बट अब जो है ना कि मैं दोनों काम एक साथ एक समय मैनेज कर लेती हूँ, अब आदत भी हो गई है। और पर मेहनत तो मेहनत होती है, आप लोग जानते ही होंगे। तो चाहे घर हो, घर में काम करिए, बाहर काम करिए, मेहनत मेहनत ही होती है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं जो नए वीडियो बनाऊँ उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो प्लीज़ फ्रेंड, आप लोग सपोर्ट करिए हम सभी नए यूट्यूबर को। मैं अपनी अकेली की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सबकी बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे, मैं ये काम कर रही हूँ तो मुझे पता है कि कितना ज़्यादा टाइम इसमें एक्स्ट्रा जाता है। और पूरा दिन हम सारी लेडीज़ जो है ना, बहुत लोग बोलते हैं कि बकवास काम है, क्या कर रही हो, घर का काम दिखा रही हो, ऐसे वैसे, पर ऐसा नहीं है। हम बहुत समय लगता है केवल ये घर का काम और शूट करने में, और बाद में जो हमें रेस्ट करने का वर्क मिलता है, रेस्ट करने का समय मिलता है, उस समय हम यूट्यूब का काम करते हैं। तो बिल्कुल आसान नहीं है। और जो नए यूट्यूबर हैं वो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, पर अभी मैं बाकी लोग का तो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, हम हाउसवाइफ हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हम घर में ही रह के कुछ कर सकते हैं, पर आप लोग के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ हम सब लेडीज़ को फुल सपोर्ट करिए, क्योंकि हम लोग भी कुछ करना चाहते हैं परिवार के लिए। घर में रह के तो कुछ हो नहीं सकता ना, ये एक यूट्यूब का ही काम ऐसा है कि जो
हम घर के साथ परिवार के साथ मैनेज कर सकते हैं और कर भी सकते हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड फुल सपोर्ट करिए हमें। और यहाँ देखिए मैंने अभी थोड़े से चिप्स रखे थे ना, चिप्स बहुत थे, थोड़े नहीं थे, मैं फ्राई कर लेती हूँ उसको। और यहाँ जो है पितरों के लिए थाली लगा रही हूँ, तो पराठा है और सब्जी है, बस यही बनाई तो यही आज लगा रही हूँ, और चाय और चिप्स। आइए आप लोग भी खा लीजिए, आप लोग के लिए लगाई है और बहुत टेस्टी चाय है, प्लीज़ पी लीजिए। और फिर मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग बातें करते हुए खा लेते हैं, क्योंकि यही समय होता है, थोड़ा सा हस्बैंड से बातें कर लेती हूँ, फिर खाना खिलाने के बाद वो थोड़ा रेस्ट करते हैं और मैं अपने यूट्यूब के काम में लग जाती हूँ। आजकल तो थोड़ा रेस्ट भी कर ले रही हूँ, पर जब पितृ विसर्जन बीत जाएगा तो दोपहर में खाना बनता है, तो बिल्कुल मुझे समय नहीं मिलेगा, फिर मैं रात में ही सारा एडिट वगैरह करती हूँ। और थोड़ा सोच रही हूँ कि मैं अपने शरीर का भी ध्यान रखूँ, क्योंकि मेरी आँखें जो है ना वो बहुत ज़्यादा सूज गई हैं, और आज रात को भी मैं 2-2.5 बजे तक सोई थी और सुबह मैं 5:30 बजे उठ भी गई थी, क्योंकि अगर जल्दी उठूँगी नहीं तो खाना बनेगा नहीं तो कैसे जाएगा पितरों को, तो इसलिए नींद को छोड़ना पड़ा मुझे। फिर मैं उठ के अपना वही रूटीन वर्क जो हम हाउस वाइफ का होता है डेली का, सबका तो एक दिन छुट्टी भी होता है हस्बैंड लोग का, पर हम लोग का कभी छुट्टी नहीं होता है डेली, बल्कि जिस दिन हस्बैंड घर पे रुके होते हैं ना उस दिन तो हम लोग का वर्कलोड और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हम लोग की यही है कहानी, पर मैनेज कर लेते हैं क्योंकि घर संसार है हमारा, हमारे पति हमारे बच्चे ही पूरा संसार है, तो प्लीज़ फ्रेंड हम लोग को पूरा सपोर्ट करिए। और कपड़े भी मैंने अलमारी में लगा दिए, और यहाँ गाय का दूध है वो भी खोल गया, क्योंकि गाय का दूध आता है बच्चों को पीने के लिए और मैं पीती हूँ, और जो भैंस का दूध आता है यानी कि अमूल का जो दूध आता है उस दूध से चाय बनता है। और अभी हस्बैंड जा रहे हैं सामान लाने के लिए, क्योंकि कल ससुर की तिथि है तो जो मैं बनाऊंगी वही लेने जा रहे हैं जो मैं कल बनाऊंगी। और यहाँ देखिए सड़क की क्या हालत हो रखी है बारिश की वजह से। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में।